हेलो गाइस, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई मेरे को आईक्यू 7 बाय के हुए भाई 7 मंथ से ऊपर हो चुके हैं। तो भाई मैं इसका करूंगा आज प्रॉपर रिव्यू 7 मंथ का, भाई गेमिंग और विदाउट गेमिंग, भाई ये कैसा चल रहा है, क्या इसमें दिक्कत आ रही है, और भाई 2022 में भाई ये बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, पूरा देखना भाई लास्ट। और पिछली वीडियो में सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और जो पिछली वीडियो में भाई जो मैंने बोला था कि फोन में भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई उसमें कुछ लोगों का कमेंट था कि भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे फोन में आ रही है, लेकिन भाई कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ भाई ये सेम प्रॉब्लम हमारे फोन में भी है। सो भाई मैं बताता हूँ कि भाई देखिए, यूजर होते हैं 3 टाइप्स, एक नॉर्मल यूजर, एक मीडियम यूजर और एक भाई हाई यूजर, जो भाई प्रॉपर गेम भी अच्छे से तकड़ी खेलता है और भाई फोन में एडिटिंग वेडिटिंग और मल्टीपल टास्क और भाई लेके रखता है फोन की भाई बिल्कुल तसल्ली से। और भाई मैं भाई फुल हाई लेवल का यूजर हूँ, मैं फोन की भाई लेके रखता हूँ, भाई मैं गेमिंग करता हूँ, रोस्टिंग चैनल भी है भाई मेरा सेकंड, मैं उसमें रोस्ट भी करता हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है भाई, देखो उसे चेकआउट करो जाके। और भाई मैं इसमें एडिटिंग भी करता हूँ भाई फुल दबा के। तो मैं बताऊंगा भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है, और जब से भाई ये अपडेट आया फनटच ओएस 12 आया उसके बाद तो भाई फोन बस कसम से यार क्या ही बोलने। तो भाई मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई तेरा समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोल रहा है, भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं एक टेक चैनल की तरह रिव्यू नहीं कर रहा हूँ भाई, कि मैं आया 2 दिन फोन चलाया तो मैं रिव्यू कर दिया। मेरे चैनल पर जाके देखो सिर्फ 2 वीडियो है रिव्यू की, और 7 मंथ से ऊपर हो गए, अब मेरा 3rd आया है रिव्यू का। मैं सिर्फ भाई 2-4 महीने बिल्कुल फोन की अच्छे से तसल्ली करके ना मैं तब तुम्हें बताता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे लेना है, क्योंकि भाई इतना खोल के कोई नहीं बताता, ना ही कोई टेक चैनल वाला। जब टेक चैनल वाला को तुम्हें पता कि भाई वो स्पॉन्सर वीडियो करते हैं, ठीक है, तो उनका तो क्या ही कहना। भाई तुम कोई भी 15,000 का नया फोन ले लो, 15-20 दिन महीना भाई ठीक ठाक चल जाता है बिल्कुल अच्छा, लेकिन पता तब लगता है 1 महीने के बाद क्या हाल होता है उसका। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो फनटच ओएस आया है ना 12, तो भाई उसके बाद तो फोन क्या ही हो गया, एक नंबर का हो गया। मैं एक एक चीज बताता हूँ भाई, जो बैक वाला बटन होता है नेविगेशन सिस्टम जो मैंने लेफ्ट राइट कर रखा, साइड से ये बैक नहीं होता कहीं पर बिल्कुल भी भाई। कोई ऐप खोल लो लेकिन बैक नहीं होगा, कुछ भी कर लो लेकिन वो बैक बिल्कुल नहीं होगा, मिनिमाइज हो जाएगी ऐप कट जाएगी लेकिन वो बैक नहीं होगी। वो कैसे ठीक होगा, तुम्हें फोन रीस्टार्ट करना पड़े, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम आई कि मेरे फोन में ना बिल्कुल सही है, चल रहा है, मैंने कुछ भी चीज बैक किया, कुछ ऐप से बाहर निकला, ठीक है, उसके बाद मैं कोई भी ऐप खोल रहा हूँ ना तो मेरा कोई भी ऐप ओपन नहीं हो रहा, सब ऐप स्क्रॉल होएगा, फोन सब कुछ होएगा लेकिन भाई ऐप ओपन नहीं होगा, चाहे कुछ मर्जी कर लो तुम, और बटन ऑफ करके ऑन कर लो भी नहीं होएगा, तुम्हें फोन रीसेट करना पड़ेगा। वो भाई ये मेरी सेकंड प्रॉब्लम आई। और थर्ड कि भाई ये हैंगिंग होता है मल्टीपल टास्क जब आप करते हो ना भाई, ये फोन कितनी बार हैंग हो गया भाई मेरे से बिल्कुल फुल। और भाई मैं तुम्हें ये चीजें दिखा नहीं सकता इसलिए क्योंकि भाई उस टाइम फोन नहीं होता मेरे पास दूसरा, कि मैं तुम्हें भाई वीडियो बना के दिखा दूं कि ऐसे हो रहा है भाई, क्योंकि तब मैं यहां वहां ऐसी वैसी जगह होता हूं कि भाई नहीं दिखा सकता, मतलब एक फ़ोन से कैसे करेगा भाई रिकॉर्ड, ठीक है। तो वो ऐसे होता है भाई कि ये हैंग भी होता है बिल्कुल, जमी जम जाता है। और चौथी प्रॉब्लम तो भाई वो तो मैं तुम्हें पहली वीडियो में बोला, मैंने दूसरे में भी बोला कि भाई ये ऐप क्रैश करता है। ये पहले तो चलो भाई जो करता था ठीक था, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही ऐप क्रैश करता है भाई बिल्कुल ही, भाई चलती चलती छोटी छोटी ऐप को क्रैश करके बाहर फेंक देगा, मतलब क्या भाई इतना तो लोड भी नहीं है फ़ोन पे यार, ठीक है। पांचवी प्रॉब्लम भाई जो मैं तुम्हें बोलता था कि टच वाली, पहले टच इशू होता था कि भाई जब गेम खेल रहे हैं हम, गेम के अंदर फ़ोन ज़्यादा हीट हो गया टच हो इशू आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब भाई फ़ोन के बाहर नॉर्मल यूज़ में भी इसका टच इशू हो जाता है, नॉर्मल यूज़ में टच इशू हो रहा है यार। ये फ़ोन ना भी तो इसको 7 मंथ से ऊपर हुए हैं, 1 ईयर गारंटी से बाहर भी निकला, तब ये चीज़ हूँ तो मैं मानूँ कि भाई हाँ चलो हो गया, 1 साल तो निकल गया भाई, 1 साल के भीतर ये हाल हो गया ना इस फ़ोन का कि क्या ही बोलें यार। और एक सबसे बड़ी बात तो ये कि जो इसका गेमिंग अल्ट्रा मोड है भाई, ठीक है, उसका तुम्हें बताता हूँ मैं क्या सीन, कि उसमें जब हम भाई गेम रन कराते हैं, हम एक एक दो दो गेम डाल के 4-4, 5-5 GB तक हम रन कराते हैं भाई, अच्छा चला देता, ठीक है, जो भी है। मेरे को भाई काइंड मास्टर भी चलाना होता है, मेरे को करनी है उसमें एडिटिंग, तो भाई मैं एडिटिंग करता हूँ तो वो ना कई बार स्लो हो जाता है भाई काइंड मास्टर, ठीक है, उसमें क्रॉप करते हैं कुछ डालते हैं तो स्लो काफ़ी देर लगाता है करने में। तो भाई मैंने सोचा एक दिन इसको फास्ट करने के लिए कि इसका जो गेमिंग अल्ट्रा मोड है काइंड मास्टर को उसमें डाल दिया और गेम वेम कर दी डिलीट, फोन फ्रेश, सिर्फ एक काइंड मास्टर उसके अंदर गेमिंग अल्ट्रा मोड में। उसके अंदर मैंने काइंड मास्टर चलाया, बिल्कुल अच्छा चला भाई, बिल्कुल मस्त रन किया, लेकिन जब मैं काइंड मास्टर से बाहर आया पूरा फोन स्लो भाई, कुछ भी खोल रहा हूँ बिल्कुल स्लो। मैंने काइंड मास्टर को मिनिमाइज करके डिलीट क्लियर कर दिया पीछे हिस्ट्री से, लेकिन भाई पूरा फोन स्लो। मैंने फोन रीस्टार्ट करके चलाया दोबारा तब भी स्लो।
आपको गेमिंग अल्ट्रा मोड से जो भी है वो अल्ट्रा गेमिंग मोड जो उससे बाहर निकाला, अब वो जाके फ़ोन ठीक हुआ भाई। मतलब ये फ़ोन गेम रन करा देता है इतनी अच्छी अच्छी साले 100 MB का काइंड मास्टर रन नहीं हो रहा इससे। चल मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या सीन है, पर मतलब भाई अजीब लगा कि हद है यार, बिल्कुल ही हद हो गई ये तो। ठीक है, और भाई जितनी प्रॉब्लम इसमें आ रही है ना, तो भाई मैं नहीं चाहता कि कोई अपना पैसा वेस्ट करे इस पर। क्यों, और अब भाई अब मैं इसको बेचने की सोच रहा हूँ, तो इसको कहीं भाई ले भी रहे हैं कि साला इसको एक्सचेंज ही कर लें, OLX पे बिकेगा, कहीं बिकेगा भी नहीं। और मेरे हिसाब से जितना जितना का पैसा मांगते ना उतना देगा भी नहीं कोई। अब 32,000 खर्च करके ना इसको साला खरीद भी नहीं रहा कोई। ऐसा लगता है कि अब लगता है कि भाई कि हमें OnePlus या iPhone पे ही पैसे लगा देने चाहिए थे, क्योंकि कल को उनकी मार्केट तो है अच्छी, हमें वो बैक प्राइस दे जाते हैं अच्छा यूज़ करने के बाद भी। और भाई इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है अब तो, मतलब दिल नहीं करता सच में यार, डब्बा लगता है फ़ोन। क्योंकि तो भाई तुम्हें आज अच्छा लगेगा, थोड़े दिन फ़ोन अच्छा चलता है, 15-20 दिन महीना, उसके बाद फ़ोन डब्बा भाई बिल्कुल ही। और नॉर्मल के लिए और मीडियम यूज़र के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनको तो नॉर्मल फिल्में देखनी, चैटिंग वैटिंग, मल्टी टास्किंग थोड़े बहुत में कोई दिक्कत नहीं है, चलता है मस्त। लेकिन इसको ज़्यादा टाइम यूज़ करना है, 8 से 10 घंटा दिन में यूज़ कर लेता है जो बंदा, उसके लिए भाई ये बिल्कुल नहीं है फ़ोन। मत पैसा वेस्ट करो, बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। और वीडियो में भाई जो तुम्हें सही लगे बात वो कमेंट में लिखो कि हाँ भाई ये चीज इसमें हो रही है। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, देख के वीडियो चले जाते हो सीधे भाई, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।